रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, जो भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, सर क्या तैयारी है झारखंड सरकार की ओर से? सर सामने देख के बोलिएगा। देखिए ऐसा है कि जो यूक्रेन के जो अभी ताज़ा हालात है, वहां पर हमारे देश के बहुत सारे छात्र छात्राएं फंसे हैं और बहुत दुखद घटना भी हुई है कि एक छात्र की इस युद्ध के दौरान जो है मृत्यु भी हुई है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत सरकार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पत्राचार भी किया गया है और भारत सरकार भी अब लगी हुई है अपने बच्चों को लाने के लिए। अभी तो समाचारों में सुन रहे हैं कि ग्लोब मास्टर ने क्या एक प्लेन भी जा रहा है और करीब 12-14 हज़ार बच्चे आए भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो सकुशल घर वापसी हो और परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे कि शांति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति अहिंसा और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर दुनिया चले तो दुनिया जो है आगे बढ़ेगी। ये हिंसा से दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, युद्ध से आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं देखिए, मुझे बहुत इस बात का दुख है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। एक तो वो हमारी छोटी बहन है, जनप्रतिनिधि है, दूसरा वो एक महिला भी है, तो उसके साथ कम से कम व्यवहार अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है और मैं समझता हूँ कि उनको जो है बाबा महादेव उनको भी सद्बुद्धि दें कि इस तरह का नहीं करें। हालांकि धार्मिक स्थलों में ये टकराव होना अच्छी बात नहीं है, मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक ये VIP कल्चर वगैरह है इलाके में, इसका प्रार्थना वगैरह करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये भी कल्चर, मेरे व्यक्तिगत मेरा ये राय है कि ये भी बहुत उचित नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी बहन के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, वो जो मैंने प्रथम दृष्टांत देखा है कुछ चैनलों में, तो मुझे लगा ये भी उचित नहीं है। इसलिए मैं वहाँ के जितने भी पंडा हैं उनसे ही प्रार्थना करूँगा कि जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान करें। जब अधिकारी इतने अधिकारी जा रहे हैं और उनका जो है नहीं रोका जाता है, तो हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी बहन गई थी तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए था। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। क्या कुछ खास रहेगा बजट? देखिए ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए इस बजट में जनता की आशा आकांक्षा अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम प्रयासशील हैं। लेकिन चूंकि बजट सदन की गरिमा का विषय है, इसलिए सदन के पटल पर रखने के पूर्व यदि मैं कोई भी बात कहूंगा तो ये थोड़ा सा मेरे जैसे गंभीर व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये बजट जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा। चूंकि हम लोग जब भी बजट पेश करते हैं, मैं भी अभी बजट की तैयारी कर रहा था तो मैंने चिकित्सकों को बुलाया था, सहिया बहनों को बुलाया था, कुछ इनको बुलाया था, वकीलों को, समाज सेवियों को, तो हम लोग उससे एक आउटपुट लेते हैं कि उनकी क्या सोच है, इसलिए अच्छा बजट होगा। भानु जी का, देखिए भानु जी का बोलना अभी ठीक है, चूंकि माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ आता है, उनको पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि जो है ना कभी कभी हास्य व्यंग को भी जो है वो गंभीरता का विषय बनाना चाहते हैं। हमको लगता है माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ा रहा है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRBPO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRBPO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूँ कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। www.thefollowup.in